नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सापुरा के उप जिला पशु चिकित्सालय में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गायों में फैली लंपी डिजीज महामारी से लड़ने के लिए औषधीय किट वितरण लिए। किट वितरण कार्य नगर पालिका पार्षद रोशन बाखड़ी, नवाब खान राजूलील, मालेराम सैनी, कानाराम योगी, पूर्व पार्षद धोलू सैनी, अनंत त्रिपाठी ने राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी व स्टाफ को सौंपे गए। इस दौरान पार्षद मालेराम सैनी ने राजकीय पशु चिकित्सालय की दुर्दशा पर कहा कि एक रेट का उपजिला राजकीय पशु चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का नितांत अभाव है। इससे अच्छा तो ग्रामों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र होते हैं, इसको देखकर शर्म आती है। पार्षद राजूलील ने कहा कि दो कमरों में उपजिला पशु चिकित्सालय चल रहा है और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। चिकित्सालय की बिल्डिंग छोटी है, भवन का अभाव है। पार्षद रोशन बागड़ी ने कहा कि उपजिला पशु चिकित्सालय के अनुसार परिसर छोटा पड़ता है, इसके लिए जमीन अलग से बड़े स्तर पर आवंटित की जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष से जमीन आवंटन अटका हुआ है। कई बार नगर पालिका को अवगत करवाया जा चुका है। पार्षद कानाराम योगी और नवाब खान ने कहा कि चिकित्सालय को एक गो एम्बुलेंस की आवश्यकता है। कई बार ज्ञापन और मौखिक तौर पर अवगत करवाने के बाद भी इस राज्य में कोई इस बाबत सुनवाई नहीं हो रही। किट वितरण के पश्चात जयपुर ग्रामीण सांसद का आभार जताया गया। यहाँ के स्थानीय विधायक साहब को करा दिया और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको अवगत करा चुके हैं। मालेराम जी स्थानीय पार्षद हैं, यहाँ पर भर्ती भी करते हैं इन पशुओं को या सिर्फ refer2.com ही है? भर्ती तो करते हैं, लेकिन यहाँ अपने पशु चिकित्सालय को या एक जमीन आवंटन के लिए अपन ने नगर पालिका को दे रखा था, उन्होंने यहाँ की जो आवंटन था उसको तो कैंसिल किया और इसी पशु चिकित्सालय को अपने आलड़ी जोड़ी वहाँ भिजवा दिया। इनकी हठधर्मिता के वजह से एक आमदन एक आम समाज को तो इन्होंने आवंटन कर दिया, लेकिन एक पशु चिकित्सालय को आवंटन न करना एक मेरे हिसाब से तो यहाँ के वार्ड की मान लो किसी भी पशुओं के लिए एक सती का वो है कार्य नहीं। आप ये बताओ जो अभी संचालित तो यहाँ हो रहा है, वहाँ पर भूखंड आवंटन हुआ है उसका कितने बीघा हुआ है? ध्यान हो तो बीघा तो नहीं हुआ वहाँ, 1000 वर्ग के लिए कह रहे हो। 1000 के लिए यहीं पे लगाया था अपने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को इन्होंने आवंटन किया। इसके बगल में अपना पट्टा भी तैयार था पशु चिकित्सालय के नाम से, मेरे पास सब विज्ञप्ति है, डॉक्टर साहब हैं उनकी सब वो था, लेकिन इन्होंने एक अपनी खुद की एक तो आप ये बताओ 1000 गज का भूखंड पर्याप्त है क्या एक ग्रेड का पशु चिकित्सालय? क्या है मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर साहब ने जो भी इनके रूल्स हैं उनके नियम के हिसाब से 100x100 का इन्होंने एक भूखंड मांगा है, ठीक वही प्रतिक्रिया की है इन्होंने। अब आप क्या कवायद कर रहे हैं उसको? कार्रवाई तो क्या करें, अपन ने तो अपन भाई इनके इनके अपन ने तो यही प्रयास किया, ठीक है वहाँ भी दे दो आप उपकेंद्र दे दो, स्थानांतरित मत करो। क्यों? एक मेन सापुरा नगर पालिका क्षेत्र में मेन सर्किल पे है जिसमें सारे वार्ड यहीं पे आते हैं। जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो हमें मिला है बहुत धन्यवाद, और हमारी सुरक्षा के लिए जो दिया गया है बहुत धन्यवाद। हमारा एक सवाल है कि सांसद महोदय ने जो ये किट वितरित की है, लेकिन ये जो एक ग्रेड श्रेणी का प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय है, क्या ये पर्याप्त है? ये जगह नहीं, अभी हमारे लिए अभी नगर पालिका की तरफ से जमीन की उपलब्ध कराई जा रही है, और वो अभी उपलब्ध होते ही बजट हमारे विभाग की तरफ से जो भी बजट आएगा उसकी तरफ से हमें अलग से बिल्डिंग बनानी है। कितने वर्ग गज का है भूखंड हमारा? 100x100 फुट का विभाग की तरफ से हमें क्या क्या 100x100 फुट का हमें एक भूखंड चाहिए। अभी आवंटित नहीं हुआ, प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में है